ये कहानी सुनने में जितनी आसान है उतनी है नहीं जी, क्योंकि इस टिकट और इस मौके के पहले कई रातें हैं, रिफ्यूजी मार्केट की रातें हैं जी, मुंबई की रातें हैं, फोन ना उठाए जाने की रातें हैं, लौटने की रातें हैं, कुछ उनकी भी खबर हो। वो निदा फाजली साहब का शेर है, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। तो ऐसी सच में बहुत रातें हैं, ऐसे सच में बहुत दिन हैं, जो जहन से मिटते नहीं हैं। मुझे एक दिन बहुत याद है, बहुत ख़ास दिन था, ईद का दिन था और मैं बॉम्बे में था। ईद से एक दिन पहले मेरी अपनी माँ के साथ, मेरी अम्मी के साथ बात हो रही थी और वो मुझे कह रही थी, देख अगर हो सकता है तो, एक दिन पहले की बात है, दो दिन पहले की बात है इससे, अगर हो सकता है तो आ जाना ईद पे। मैंने कहा नहीं आऊंगा भाई। मैंने कहा काम बहुत है, काम मुझे आने नहीं देगा। सच ये था कि मेरे बैंक में 430 रुपए थे और टिकट 470 का आता था। वहां मत हाथ रखो यार। दरअसल रिशाद भाई, उन दिनों का जिक्र इस ऑडियंस के सामने इसलिए ज़रूरी था ताकि लोगों को ये इरशाद कामिल नज़र आ रहा है, बेहद कामयाब गीतकार, कई अवार्ड जीतने वाला, पर उसके पीछे की जो तपस्या है, जो जिन मतलब कोई यूं ही खिलखिलाता हुआ बैठ के नहीं लिख सकता ना कि अगर तुम साथ हो, तो वो बीती है, वो गुजरी है, तो लोगों को आपके संघर्ष का भी एहसास हो। आती जाती लहर हुए तो साहिल ना हो पाओगे, आती जाती लहर हुए तो साहिल ना हो पाओगे, जहन बने रहने वालों तुम अब दिल ना हो पाओगे, जहन बने रहने वालों तुम अब दिल ना हो पाओगे, अपनी मैं की मैं पी ली तो तू हो पाना मुश्किल है, अपनी मैं की मैं पी ली तो तू हो पाना मुश्किल है, औरों की छोड़ो खुद को भी हासिल ना हो पाओगे, अपने कत्ल के नुस्खे मैंने एक हंसी को दे डाले, ये सुनिएगा, अपने कत्ल के नुस्खे मैंने एक हंसी को दे डाले, बाकी यार भले हो जाओ कातिल ना हो पाओगे। क्या बात है। गजलें नज़में और किताबें पढ़ लो सारी दुनिया की, गजलें नज़में और किताबें पढ़ लो सारी दुनिया की, जो भी कर लो एहसासों में कामिल ना हो पाओगे। क्या बात है।